जय हिंद ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल लर्न द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम माय मदर एट 66 व्हिच इज रिटन बाय कमला दास। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू द न्यू वर्ड्स एज वेल एज अबाउट द पोएट। That was the part one of the same chapter. Now we come to the next part, that is part two of the poem of class 12th English. So चलिए शुरू करते हैं poem. So line by line, I will give you the explanation of the poem. Shall we start? Here it is. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. ये कब की बात बताई जा रही है? कि last Friday morning की बात बताई जा रही है। वो कह रही है कि वो अपने parents को visit करके वापस लौट रही थी। कहाँ जा रही थी वो? Cochin. Driving from my parents' home to Cochin. वो शायद कार में बैठी है जिसके लिए लिखा गया है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। तो पोएटेस जो है वो एक्सप्लेन कर रही है कि दैट वंस व्हेन शी विजिटेड हर पेरेंट्स हाउस इन कोचीन एंड इट वाज अ फ्राइडे आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। I saw my mother beside me. So it means her mother was sitting beside her. उसकी मदर जो थी वो शायद उसके पास बैठी हुई थी। I think at the back of the car. Her mother was sitting beside her at the back of the car. Doors open mouthed. उनकी जो मदर है जिस गाड़ी में उनके साथ बैठी हैं, उनकी मदर का जो फेस है वो कैसा है? ओपन माउथेड। इट इज वाइड ओपन माउथेड जस्ट लाइक ओपन माउथेड। एंड व्हाट शी वाज डूइंग इन द कार एट दैट टाइम? शी वाज डोजिंग इन दैट वे। शी वाज डोजिंग मीन्स In the previous video, I have already given you the meaning, but again I will tell you the meaning. Doze means a very short sleep. हल्की सी नींद आना, झपकी आ जाती है। जैसे हम गाड़ी में बैठे हैं तो चेहरे बैठे बैठे हमें झपकी आ जाती है, that is doze. So I saw my mother beside me. उसने क्या देखा? उसने अपनी माँ को देखा beside me. उनके पीछे वहीं पे बैठी थी गाड़ी में। कैसे क्या कर रही थी? डोज कर रही थी। ओपन माउथेड मुंह खुला हुआ था और हल्की सी नींद आ गई थी उनको। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। उस टाइम पर उस समय पर एट दैट टाइम हर फेस जस्ट लाइक अ कॉर्प्स। एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स बिल्कुल एशन हो रहा था। कैसा था? एशन। एशन यानी पीला पड़ा हुआ चेहरा, क्योंकि उनकी मदर जो है वो एजिंग है। कैसी है? एजिंग। एज हो चुकी है काफी उनकी। दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर माय मदर एट 66। सो हर फेस एशन किस तरीके का हो चुका था? लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। स्टूडेंट्स इधर जो लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है वो है सिमिली, बिकॉज देयर इज अ कंपैरिजन। एक कंपैरिजन किया गया है। किसका किया गया है? उसके चेहरे का किया गया है। किसके साथ किया गया है? कॉर्प्स के साथ। कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, जैसे कोई मरा हुआ इंसान होता है। उसकी माँ बिल्कुल ऐसे ही पड़ी हुई थी गाड़ी में जैसे कि कोई इंसान मरा हुआ होता है, क्योंकि उनकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, उनकी मदर बहुत वीक हो चुकी थी। तो उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी माँ जो है वो इंचिंग टूवर्ड्स द डेथ, शायद मौत की तरफ पड़ती चली जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे उम्र होती है वैसे वैसे इंसान ये सोचने लगता है कि अब मेरी मौत आने वाली। तो यहाँ पे जो पोएट है कमला दास, उसको एक डर बैठा हुआ है।
मैंने पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था, फियर ऑफ सेपरेशन, ऑफ लूजिंग हर मदर. उसको ये डर है कि मैं अपनी माँ को कहीं खो ना दूं, क्योंकि मेरी माँ कैसी हुई है, बूढ़ी हो चली है, कमजोर हो गई है, पीली पीला पड़ गया है चेहरा उनका, बिल्कुल कैसी लग रही है, डेड बॉडी की तरह लग रही है. एंड रियलाइज विथ पेन, और उसको फिर रियलाइज हो जाता है, उसको बड़ा तकलीफ होती है, रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड शी लुक्ड. वो कह रही है, राइटर कमला दास कहती है इस चीज को कि वो उसको रियलाइज कर रही है, उस तकलीफ को, रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड शी लुक्ड. वो कैसी हो रही है, बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसी वो दिखाई दे रही है, एज ओल्ड. Here again the literary device is simile, because again it is a comparison. But soon put that thought away. लेकिन अचानक, suddenly she has diverted her mind. उसने अपने mind को क्या किया, divert कर दिया. उनके जो उसके जो thoughts थे कमला दास के, उसने उसको क्या किया, divert किया. क्योंकि वो जब अपनी माँ को पीछे देख रही थी बैठे हुए, तो उसको डर लगता है कि मेरी माँ की जो पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, वो शायद अब जी नहीं पाएंगी. सो दैट इज व्हाई उसने क्या किया, सून पुट दैट थॉट अवे. उसने अपना ध्यान जो था बिल्कुल भटका दिया, डाइवर्ट कर दिया, कहाँ गया, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज. और फिर उसने कहाँ देखा, बाहर देखने लगी, जहां जो कार है उसके बाहर जो विंडो है, विंडो के बाहर देखने लग जाती है. शी लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, वो यंग ट्रीज जो इसका बिल्कुल कंट्रास्ट बता रहे, कॉन्ट्ररी है बिल्कुल. किसके कंट्ररी, उसकी मदर के कॉन्ट्ररी है. तो यहां पर दो चीजें बताई गई हैं, एक यंग सिचुएशन और एक एजिंग सिचुएशन बताई गई है. इधर की जो सिचुएशन बताई जा रही है वो एकदम यंग है, कि बाहर जब वो देखती है अपना, अपने थॉट्स को जब वो बदलती है, डाइवर्ट करती है, आगे बाहर देखती है, उसे क्या दिखाई देता है, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज. वो बाहर क्या देख रही है, यंग ट्रीज दिख रहे हैं उसको, हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं उसको. क्या हो रही है वो, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग, मूविंग फास्ट. क्या कर रहे हैं वो, स्प्रिंट हो रहे हैं. जब हम किसी गाड़ी में बैठकर जाते हैं तो हमने देखा है, या आप लोगों ने भी देखा होगा, कि वो गाड़ी जब चलती है तो हमें ऐसा लगता है कि साथ में जो चीजें जा रही हैं बाहर वो भी साथ साथ उनके दौड़ती हैं. सो दैट इज व्हाई हियर रिटन हियर, दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर, यंग ट्रीज इज स्प्रिंटिंग. जब वो बाहर देखती है तो उसको लगता है कि यंग ट्रीज जो है वो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जबकि उसकी मदर जो है वो दौड़ नहीं पा रही है, वो डोज कर रही है, वो ओपन माउथेड. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और जो मैरी चिल्ड्रन है, जो खुश हो रहे हैं बच्चे, मैरी मीन्स हैप्पीनेस दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो मैरी चिल्ड्रन है वो स्पिलिंग कर रहे हैं, वो बाहर दौड़ते हुए आ रहे हैं, स्पिलिंग कर रहे हैं. स्पिलिंग मीन्स कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब वो कहां पहुंच गई, कोचीन के एयरपोर्ट पर पहुंच गई. तो वो कह रही है, कौन, कमला दास कहती है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू इयर्स अवे. एयरपोर्ट पर तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें अंदर चले जाना पड़ता है, और जो हमारे साथ आए लोग होते हैं उनसे कह दिया जाता है अब आपकी लिमिट यहां पर खत्म होती है, आप अंदर नहीं जा सकते. सो दैट इज व्हाई After the airport security check, standing a few yards away, उसकी मदर बिल्कुल स्टैंड कर रही थी वहीं few yards away, और वो आगे बढ़ गई, कौन, कमला दास, वो आगे बढ़ गई एयरपोर्ट की तरफ, चल पड़ी few yards away, थोड़ी ही दूरी पर उसकी मदर थी. I looked again at her vein, मैंने फिर से देखा, क्या देखा, उसके vein, vein यानी पीले चेहरे को, जो कि पीलापन दिखाई दे रहा था चेहरे पे. Just like ashen. Here again, the same meaning. Vein and ashen are the same meanings. These are the synonyms. We can say that these are the synonyms of the word. उसने दोबारा से देखा, पीछे मुड़कर, ये इस तरीके से पीछे मुड़कर देखा, क्या देखा, at her vein, pale.
एज अ लेट विंटर्स मून। उसने उसके पीले चेहरे को देखा, पेल चेहरा जो था, एशन चेहरा जो था, उसको देखा, अपनी माँ को जब देखा कैसा था, एज अ लेट विंटर्स मून। बिल्कुल उसकी माँ का चेहरा ऐसा था जैसे कि कोई लेट विंटर्स मून होता है। अगेन द लिटररी डिवाइसेस से मिली, इधर फिर से लिटररी डिवाइस जो यूज किया गया है वो क्या है, सिमिली है। तो उसकी मदर को फिर से कंपेयर किया गया किससे, विद होम, विद द लेट विंटर्स मून, बिकॉज द विंटर्स मून इज नॉट शाइनिंग। उस विंटर मून जो होता है रात को जब चमकता है वो इतना शाइन नहीं करता है जितना कि समर में करता है। सो इन द सेम वे उसका चेहरा भी कैसा हो गया था, लेट विंटर्स मून की तरह हो चुका था। जब सर्दियों में चांद निकलता है रात को तो धुंधला सा दिखाई देता है, इन द सेम वे। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और उसको फिर से वही पुराना वाला दर्द, जो जाना पहचाना जो तकलीफ थी वो याद आ जाती है। कौन सी जानी पहचानी सी तकलीफ, वही वो जानी पहचानी तकलीफ कौन सी थी पुरानी, माय चाइल्डहुड फियर, जब वो छोटी थी कमला दास। आप लोगों ने भी ये सब देखा है कि जब आप अपने घर जाते हो तो आप घर जाकर अपनी माँ को ढूंढते हो सबसे पहले, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। सो इन द सेम वे बचपन में जो बच्ची थी वो भी अपनी माँ को ढूंढती थी इसी तरीके से कि मेरी मम्मी कहाँ है। जब वो नहीं दिखाई देती थी तो उसको डर लगता था कि कहाँ चली गई मेरी माँ। तो वही पुराना सा एक फैमिलियर एक, जो दर्द था, तकलीफ थी, कौन सी तकलीफ जो उसको बचपन में सताती थी, एक डर जो सताता था कि मेरी माँ मुझसे कहीं बिछड़ ना जाए, फियर ऑफ सेपरेशन। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन तब भी वो कह रही है कि मैं जब एयरपोर्ट पर पहुंची हूँ दूर से अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैंने अपनी मदर से क्या कहा, बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, मम्मी जल्दी मिलेंगे, सी यू सून। हम कहीं जाते हैं तो यही कहते हैं अपने माँ बाप से कि सी यू सून। सो उसने भी कहा आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और ये सब जो कुछ भी था वो क्या था, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। उसने अपनी अंदर की जो तकलीफ थी उसको किसमें छुपा दिया, स्माइल में छुपा दिया। उसका वही पुराना दर्द, फैमिलियर एक जो था, तकलीफ थी, वही जो उसको बचपन में डराती थी, फियर ऑफ सेपरेशन का कि मां से दूर नहीं हो जाऊं मैं कहीं, तो वही चीज को उसने फिर से क्या किया, ऑल आई डिड वाज स्माइल। उसने उस सारी तकलीफ को छुपा लिया कि क्यों, क्योंकि अगर मैं अपनी माँ के सामने, आंखों के सामने अगर रोऊंगी तो मेरी माँ को दर्द होगा, तकलीफ होगी। तो उसने अपने दर्द को भी छुपा लिया, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और वो स्माइल करते करते वहां एयरपोर्ट से हल्के हल्के करके चलती चली जाती है। सो हियर द लिटररी डिवाइस इज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, दिस इज रिपीटेशन। I have already given the figure of a speech in this video. This is the figure of a speech which is used in the poem is simile and repetition. So I hope that you understood this poem. In the next video, we will explain you the new chapter. Thank you.